खुश आमदेद व्यूअर्स यूसुफ फूड एंड ट्रैवल पे। आज एक और व्लॉग लेके आया हूँ। मैं आया हूँ एक्चुअली ग्रीनिच नॉर्थ ग्रीनिच ट्यूब स्टेशन और ये है ग्रीनिच पेंसुला। तो यहाँ पे एक दो बड़ी मज़ेदार और खूबसूरत जगह है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। मेरे साथ जमे रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ सारा ये एरिया। अच्छा जी व्यूअर्स, यहाँ पे लंदन का मशहूर ज़माना दी O2, इसको O2 अरीना के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे बहुत फंक्शंस होते हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैंने कहा थोड़ा सा ये व्यूज़ आपको दिखाऊं या आप व्यूज़ एंजॉय करें। और अब ये सामने जो बिल्डिंग है, इस तरफ से मैं आया था, नॉर्थ ग्रीनिच स्टेशन है जुबली लाइन का। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई हुई है, ग्रीनिच पेनिनसुला है। इसकी बैक साइड पे फूड हॉल एंड बार भी है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। मैं एक्चुअली आज यहाँ आया हूँ, मेरी एक क्वालिफिकेशन होने वाली है एज अ प्राइवेट हायर ड्राइवर। TfL ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन ने हमें कहा है जी कि हम एक सेफ्टी क्वालिटी का कोर्स करें, तो वो उनका ऑफिस यहाँ पे है जहाँ पे मैंने एग्ज़ाम देना है। मैंने कहा इसका फ़ायदा उठाते हैं और थोड़ा सा आपको जो है ना थोड़ा सा ये एरिया दिखाते हैं। मैं ख़ुद यहाँ पहली दफ़ा आया हूँ और बहुत ही इन्जॉय कर रहा हूँ इन व्यूज़ को। थोड़ी देर में मेरे साथ जमे रहिएगा। यहाँ लंदन की मशहूर केबल कार भी है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले ज़रा फूड हॉल चेक कर लें, फूड हॉल एंड बार। यहाँ पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट भी है, देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। मैं खुद पहली दफ़ा आया हूँ, मेरे साथ जमे रहिएगा। चाइनीज, और इधर आगे ये मैक्सिकन भी है कोई। सब तो बड़ा क्वाइट है, मेरे ख्याल लंच टाइम पे ये बिजी होता होगा। और ये अच्छा है कि ये कवर्ड है, जैसे कि लंदन का मौसम ऐसा है कि हर वक्त बारिश रहती है। ऊपर भी है सीटिंग। पहले मैं ये नीचे की तरह देख लें, यहाँ पे नूडल्स भी हैं, नूडल्स जो है, टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी हैं। और ये यहाँ पे ख़त्म होता है। आज मेरे साथ रहें, ज़रा चलते हैं ऊपर, चलते हैं इन अपस्टेज। और ये इस वक्त खाली पड़ा है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी जगह बनाई हुई है। सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है इस फूड हॉल की, कि ये कवर्ड है सारा। तो कवर्ड होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बारिश गर्मी सर्दी बड़ा अच्छा मौसम है। चलो जी, अब मैं आपको, मेरे साथ जमे रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको केबल कार की तरफ लेके जाता हूँ, जो मैंने आपको फूड हॉल दिखाया था। देखते हैं अगर वहाँ से कोई कॉफ़ी शॉफ़ी लेते हैं। साइन लगे हुए हैं, अंदर गर्मी हो गई होगी काफ़ी, क्योंकि धूप निकल आई है, जिसकी वजह से थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। जी नाजरीन, और तो कोई काम की चीज़ मिली नहीं, तो अब कैपेचिनो ले ली है। यहाँ पे डिफरेंट हैं नूडल्स, इंडियन रेस्टोरेंट भी है कोई राजस्थानी, वो मुझे कोई चीज़ ऐसी अच्छी नहीं लग रही थी, तो ये मैं ऊपर वाले सिटिंग एरिया में आके बैठ गया हूँ। कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है सीरो असेसमेंट के लिए, तो मेरे साथ जमे रहिएगा। आपको अभी आगे का हाल भी सुनाते हैं। जी आप नोटिस कर रहे होंगे कि अब जैकेट पहन ली गई है, ठंड हो गई है, धूप निकल आए तो गर्मी हो जाती है और बादल आ जाएं तो ठंड है। देखते हैं दरिया का और कोई एक व्यू मैं आपको अभी दिखा सकूँ। मेरे साथ जमे रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। चलते आए,
ये है टर्मिनल केबल कार का, ये आपको केबल कार नज़र भी आ रही है। मैंने इस पर कभी सफ़र नहीं किया और आज अभी मैं अनफॉर्चुनेटली आपको ले जा भी नहीं सकता। अल्लाह कोई और मौका देगा तो इंशाल्लाह ये भी आपको दिखाएंगे। अभी सिर्फ आप यहाँ के व्यूज़ इंजॉय करें। मेरे पास टाइम थोड़ा है, असल में थोड़ा सा और टाइम होता तो मैं आपको केबल कार से ऊपर भी ले जाता। तो ये छोटा सा व्यू यहाँ से भी, वाओ 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 वाओ, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये टर्मिनल है, दूसरी तरफ से पीछे से इसकी एंट्रेंस है। नॉर्मली बहुत क्यू होती है, आज एक वीकडे है तो इसमें इतना कोई वो नहीं है। मैं क्या, मेरे साथ रहें ज़रा आपको एक, नहीं जी, IFS क्लाउड केबल कार ग्रीनिश पेनिनसुला, यहाँ पे है इंफॉर्मेशन एंड टिकट्स, आप यहाँ से ले सकते हैं और ऑनलाइन भी आप टिकट्स को ले सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं बता सकूँ कि टिकट्स कितने की मिलती हैं ये भी चेक कर लें। नाज़रीन, मैंने अभी पूछ लिया उनसे, वो कह रहे हैं कि जी 12 pounds पर एडल्ट की एक टिकट है रिटर्न, और 20 minutes लगते हैं दूसरी तरफ जाने में। अनफॉर्चुनेटली मैं आज नहीं जा सकूँगा, इसके लिए एक नेक्स्ट व्लॉग करेंगे। कार पार्क के पास से गुजर रहा था तो मैंने कहा ज़रा ये इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाए। ये कार पार्क 4 है, नॉन इवेंट पार्किंग। आज जो मेरा आज थर्सडे का दिन है, वीकडेज दोपहर के 12 का टाइम है, कोई इतना मसला नहीं है। तो इन्होंने ये पार्किंग की जो है आज की जो इसका टैरिफ है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, 11 मई 2023, 2 घंटे की 6 pounds 4 10 और 4 से 6 घंटे 14, 6 से 9 घंटे 16 और इस तरह से है। तो इस वक्त की जो सिचुएशन है, जो मेरा रात वक्त का दिन और इवेंट नहीं है कोई यहाँ पे, ये पता करना बहुत ज़रूरी है। तो कार पार्क में काफ़ी जगह मौजूद है। वैसे यहाँ आने के लिए मेरे साथ रहिएगा, मैं बताता हूँ। वैसे यहाँ आने के लिए मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट तरीका वही है जो आज मैंने अख्तियार किया है, कि आप लंदन ट्यूब पकड़ें और आराम से आ जाएं, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। तो ये सबसे बेहतरीन मेरा ख्याल रूट रहेगा अगर आप ट्यूब को इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरग्राउंड ट्यूब जो भी कह लें। नहीं जी, हम बिल्कुल दरिया के ऊपर आ गए हैं, दरिया थेम्स मशहूर है ज़माना लंदन का। तो यहाँ से आपको ये नॉर्थ ग्रीनिच पियर है, इसका एक व्यू और केबल कार का एक फुल व्यू जो है ना, आप इंजॉय करें ये स्टनिंग व्यूज़। यहाँ पे एक ऊबर बोट भी चलती है जी, तो आपको ये दिखा दें जी, ऊबर बोट साहब इस वक्त डॉक हो रही है नॉर्थ ग्रीनिच पियर पे। ये मेरे ख्याल पटनी ब्रिज से चलती है और यहाँ तक आती है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत आगे चली गई है, आप बोट टैक्सी भी ले सकते हैं लंदन में जी। थेम्स पाथ, नॉर्थ ग्रीनिच स्टेशन एंड डोम एंट्रेंस, और इस तरफ आपको मैं दिखा देता हूँ जहाँ पे अभी बोट थी, ये नॉर्थ ग्रीनिच का पेयर है। यहाँ से आप कोई ट्रिप्स भी कर सकते हैं जो बोट ट्रिप्स होते हैं, और टैक्सी एज एन ऊबर बोट टैक्सी भी ले सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं यहाँ पे।
मैं खुद पहली दफ़ा आया हूँ तो बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ इस जगह को। रिकमेंड करूँगा यहाँ आने के लिए जो भी लंदन आए वो ज़रूर नॉर्थ ग्रीनिच या ग्रीनिच पेनिनसुला ज़रूर आए। और अगली दफ़ा मेरे पूरी कोशिश होगी कि मैं ये केबल कार से जाके तो व्यूज़ का एक और ब्लॉग बना सकूँ। आज टाइम की कमी की वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आज की वीडियो देखने का। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आज इस छोटे से ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, तो बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आज की वीडियो देखने का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।